मेरे साथ समाज सेवी महेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर इस घटना को किस तरह से लेते हैं, इनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर। जरा बताएं कि इस घटना को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आज से थोड़ा पूर्व हम चलेंगे, आपको ले चलेंगे। 5 ईस्वी को 2005 में मास्टर साहब के लड़का की मृत्यु हो गई। और वह धंधा करता था, गलत धंधा करता था, मास्टर साहब विरोध भी करते थे। तो मेरा लड़का नहीं है, तुम मरेगा तो हम रोएंगे नहीं, वैसा करके दिखाया। मरने के बाद ये लड़की को समाज के बीच बैठा करके कहा गया, तुम अगर शादी करना चाहती है तो कर सकती है, या दो मेरा है, या दो बेटी है तो मेरा है। हम लोग के सामने, हमारे सामने में हम थे। आज से 30 बरस से हमारा प्रेम मास्टर साहब से है और जाते आते भी हैं। तब उस समय में हम भी थे कि आपको अगर मेरे घर में रहना है तो सारी सुविधा मिलेगी, आप रहिए बहू बन करके, बच्चे का पालन पोषण मैं नहीं करूँगा, सब करेंगे, शादी विवाह सब करेंगे, लेकिन मेरे अंदर में रही। ये जो सब दिन से विरोध करने वाले लोग थे, अस्पत क्लियर करने वाले लोग थे, देखा कि यह डराने वाले नहीं है, कुछ दिन समाज के द्वारा उसको भगा दिया गया। 5 बरस तक कहाँ रही पता नहीं, फिर लौट करके आए, लोगों ने कहा समाज के, अच्छा आपका है, रख दिया। फिर वही चाल शुरू किया, फिर विरोध करते थे। जिसके संबंध में जानकारी मिली हमको भी, जैसे आपको मिल रही है, तो कल से हम है तो लोग जो आते हैं तो हम भी सुनते हैं कि अवैध सब, अवैध मीन्स प्रेम, उससे गलत प्रेम जिसका नाम आ रहा है सरपंचों का, गलत प्रेम। डर से लोग बोलते, जानते थे सब लेकिन भय से बोलते नहीं थे, क्योंकि आज से पूर्व भी उसका कई कहानी हो चुकी है, जेल भी जा चुके हैं, ये फर्स्ट काम नहीं है उनका, कैरेक्टर लूज। एक चीज़ बताएं, आप आपकी उम्र के ही लगभग वो होंगे, जूनियर होंगे आपसे, जूनियर होंगे वो, ठीक है, 75 वर्ष के उम्र के थे। आपने बताया कि 30 वर्षों से आपका और इनका परिवार का संबंध है। इस मामले को लेकर के कभी आपसे बातें हुई है, मास्टर साहब ने कभी बातें की थी आपको? पंचायती हुई है तो बीच में आज से 15 वर्ष, उस 15-20 वर्ष पहले पंचायती हुई, हाल फिलहाल में एक आध साल या 2 साल पहले कभी बातें हुई नहीं। अभी संबंध में हमारे डेरा पर बात हुई कि देखिए कितना भी कहते मानते नहीं है, वह शाम निकल, सवेरे निकलती है, शाम आती है, कहाँ जाती कहाँ नहीं, चला हम तो मन नहीं होता है कि वहाँ रहें। क्या समाज को इस मामले को सुलझाने के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए था? मामला के सुलझाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वहाँ जब मजबूती से लोग रहता है, वैसे लोग हैं तो लोग पीछे डर भी जाते हैं, चुप हो जाते हैं। लोगों ने कोई ऐसे आदमी होंगे जो उसको मदद करेंगे, करेक्ट लूज आदमी वाला ही उसको मदद करेंगे, करेक्ट लूज वाला को, लेकिन अदरवाइज जितना हमारा समाज है वह उसको पसंद नहीं करेंगे। भीतर से उसको आग लगी हुई है लेकिन बोलते नहीं कि खुदा न खुदा कुछ हो नहीं तो बेकार है, वह गुंडा एलिमेंट है, गुंडा को भी पोसते हैं, इसी अच्छी हसियत से लोग चुप भी रहते हैं। आपसे हम जानेंगे बाबा, जिस तरह से एक 75 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है आपके समाज के अंदर, समाज ये कहाँ पहुँच गया है? अरे समाज की तो बहुत दुर्दशा हो रही है, इसलिए कि यहाँ पर अंगरक्षक जो पुलिस विभाग में जितना है कोई देख रेख करने के लिए नहीं तैयार होता है, नहीं तो आज उसकी मृत्यु नहीं होती। बात बहुत दिनों से चल रही है। हाँ, और हम चलिए बाबा जरा बताइए कि जिस तरह से आप को पता चला कि इनकी हत्या हो जाती है और आपके हम उम्र के थे व्यक्ति ये, तो उसके बाद आप किस तरह से उस घटना को लिया आपने? सुनिए, हम लोग तो ऐसे जाने कि इनका हत्या हो गया सुने, उसके बाद में हम लोग आए तो देखे कि उनको तो सही में गोली भी लगा हुआ था, गर्दन भी मुड़ करके उसको मार दिया गया, मार करके उसको यहाँ पार दिया गया। तो यहाँ एक हम ही नहीं थे, यहाँ इस अगल बगल अड़ोस पड़ोस के जितने भी जलानी मर्द
जैसे मेला लगता उसी तरह यहाँ समझिए मेला लगा हुआ था। उस वक्त भी पुलिस प्रशासन सब आया, लिख पढ़ के गया, तो आज तक उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ है। ये तो निर्मम हत्या है, और इस हत्या के बारे में जितना भी इसका जो है निंदा किया जाए वह बहुत कम है। क्या लगता है कि हत्या के पीछे की वजह क्या रही होगी? देखिए, हत्या का कारण जो है ना, वो महिला जो है क्या कहते हैं, इस समाज से भी बाहर थी और वह बदचलन औरत थी, और उनकी दोनों लड़की जो है यह साबित करता है कि जो चोर है, चोर के साथ हम कभी भी सेल्फी नहीं ले सकते हैं, ना कभी उसके साथ फ़ोटो शेयर कर सकते हैं। मोबाइल का जो फोटो वीडियो वायरल हो रहा है उससे साबित करता है कि ये आदमी अवैध संबंध के कारण ही अपने को आज़ाद होना चाह रहा था, जिसके चलते ये बूढ़े की शिक्षक की हत्या किया है। अभी आपने सुन लिया, इससे अधिक आपको हम कुछ नहीं बता सकते हैं, चूँकि जो हालात थी वो आपके सामने में रख दी गई है। इसके पीछे की बस एक ही वजह थी कि नाजायज़ संबंध, और उसके बीच में कुसुमलाल मेहता जी बार बार आते थे अपने परिवार के भलाई के लिए, अपने इज्जत बचाने के लिए, लेकिन उसकी बहू को और साथ में उसकी बालिक दो बेटियों को उनका बीच में आना नागवाड़ा में गुजरा, और यह वजह थी कि उनकी हत्या कर दी गई। अब देखना है कि पुलिस प्रशासन, खास करके सुपौल पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारी इस घटना को किस तरह से लेते हैं, और एक पीड़ित परिवार को और मरहूम कुसुमलाल मेहता जी को इंसाफ कब तक दिला पाते हैं। फिलहाल के लिए मुझे और सहयोगी एहसान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।